अच्छा चंदन जी, ये जो मनीष कश्यप दिखा रहे थे कि या बाकी मीडिया वाले भी दिखा रहे थे, ऐसा कुछ था क्या वहाँ पे? ऐसा कुछ वहाँ पे है? तो ये अफवाह कहाँ से चली, कुछ आइडिया है आपको? अब ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे पता चलेगा ना। अब वो कहाँ से वीडियो वायरल हुआ है वो हमको तो पता नहीं है, लेकिन असल में हम उधर से हम आए हैं 3 तारीख को, गाड़ी पकड़े थे होली के पहले, तो ट्रेन तो बहुत भीड़ आ रहा था, हमको तो पहले से प्लान था जाने के लिए होली में। तो वहाँ पे जो मनीष कश्यप पे FIR हुआ है उससे लेकर आपको क्या लगता है, सही हुआ कि गलत? सही हुआ है, वीडियो फर्जी दिखा रहे थे वो, तमिलनाडु में गए थे और हम मतलब जहाँ तक जानते हैं वीडियो में वो देख रहे थे कि लड़का लोग पट्टी अपने से बांध लिया थे लोग, और सरकार को बदनाम करने के लिए वैसे मनीष कश्यप दिखा रहे थे न्यूज। अच्छा, जो मनीष कश्यप ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने किया है, करवाया है, वो आगे युवाओं को नहीं बढ़ते देखना चाहिए, इससे आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? मनीष कश्यप से कुछ होने वाला नहीं है तेजस्वी के आगे। मनीष कश्यप 2020 में जब चुनाव लड़े थे विधानसभा के लिए तो उनका पता 9000 उससे भी कम वोट आया था, तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री से टक्कर दे देंगे, इतना उनको थोड़ी हिम्मत है। मनीष कश्यप अपने पहले क्षेत्र में जाए, उनका वोट प्रतिशत कितना है वो अपने आप को अंदाज है, उसके बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से टक्कर लेंगे। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ? बिहार से, यहीं छपरा जिला से। और करते क्या हैं? हम तो तमिलनाडु में काम करते हैं। अच्छा, आप तमिलनाडु में ही काम करते हैं? और आपका नाम क्या? तमिलनाडु आज जा रहे हैं गंगा कवेरी से। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। अच्छा चंदन जी, ये जो मनीष कश्यप दिखा रहे थे कि या बाकी मीडिया वाले भी दिखा रहे थे, ऐसा कुछ था क्या वहाँ पे? ऐसा कुछ वहाँ पे है? तो ये अफवाह कहाँ से चली, कुछ आइडिया है आपको? अब ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे पता चलेगा ना। अब वो कहाँ से वीडियो वायरल हुआ है वो हमको तो पता नहीं है, लेकिन असल में हम उधर से हम आए हैं 3 तारीख को, गाड़ी पकड़े थे होली के पहले, तो ट्रेन तो बहुत भीड़ आ रहा था, हमको तो पहले से प्लान था जाने के लिए होली में, तो वहाँ पे अचानक वीडियो मतलब देख के वायरल हो गया वीडियो, तो वहाँ से लोग पूरा भागने लगा लोग। अच्छा, ये वीडियो सर्कुलेट होने के बाद लोगों में अफरा तफरी मची और लोग भागने लगे? हाँ जी जी। अच्छा, फिर लोग मतलब सबको जान का डर रहता है ना कि मान लीजिए कुछ वहाँ पे कर देगा लोग, तो इसलिए सब लोग वहाँ से भागने लगा लोग। अच्छा, अच्छा आप वहाँ तमिलनाडु में क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। किस चीज़ में? मतलब क्या जॉब, आपका काम क्या? हमारा टेक्नीशियन का काम है, ब्लेड लाइन में काम करते हैं। अच्छा, कितने वर्षों से हैं वहाँ? आप वहाँ तक? हमको 2018 से है वहाँ पे, 4-5 मतलब 4-5 साल हो गए। कभी जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है, बहुत फैला भी, कभी ऐसा महसूस हुआ आपको वहाँ पे? थोड़ा सा तो हुआ था। क्या? डर का माहौल था वहाँ पे। मतलब ये अभी या इससे पहले भी? नहीं नहीं, जो पहले नहीं हुआ था, ये जो वीडियो वायरल हुआ था ना, तब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था ट्रेन में आने जाने से कि कहीं मतलब कहीं लफड़ा दंगा मत हो जाएगा। अच्छा, और कभी इससे पहले कुछ महसूस हुआ था कि आप बिहार से हैं, कुछ आपके साथ भेदभाव हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मैं 2018 में जब पहली बार गया था तो भी डर नहीं लग रहा था, कुछ लैंग्वेज का खाली प्रॉब्लम है और कुछ है नहीं। तो वो तो वाजिब है, आपके यहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है, जो लोग आएंगे अगर लोग भोजपुरी में बात करेंगे तो उनको समस्या आएगी, हालांकि हमारे यहाँ हिंदी थोड़ी अधिक बोली जाती है तो लोगों को थोड़ी सुगमता है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोग जैसे आप हुए, बाकी अन्य लोग भी तमिलनाडु साउथ में सब नौकरी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रूप स्वरूप बदला जा सकता है बिहार में और बदलना चाहिए? ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा, सरकार जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये इम्पॉसिबल है। हम लोग को अच्छा नहीं लगता है दूसरे राज्य में जाकर और लात जूता खाने के लिए, वहाँ का सरकार यहाँ का लात जूता खाना मतलब कि वही हो रहा है ना, अभी वीडियो वायरल हुआ है तो अभी तो आपने बोला कि ये फर्जी न्यूज़ है, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, फिर आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि लात जूता खाना? अभी गुजरात में क्या हुआ था सुने थे ना 1 साल पहले कि वहाँ से मार मार के भगाया जा रहा था, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा था अदर, लेकिन हम वहाँ देखे नहीं थे आँख से, लेकिन वीडियो अपना सुन रहे हैं, वायरल सोशल मीडिया पर है तो हमारे पास आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने सभी जगहों की बात की, सभी स्टेट्स की? हाँ वही बोल रहे हैं, ये तमिलनाडु का प्रॉपर नहीं है, गुजरात हो गया और जगह हो गया, मतलब यहाँ भी बिहारी और जो नॉर्थ इधर के लोग परेशान किया जा रहा है जी। तो यहाँ पे सरकार का मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब कंपनी अपने लाए और रोजी रोजगार यहीं पे देंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अच्छा, आपका छपरा में कहाँ घर है? तरैया। तरैया में कहाँ? तरैया में मेरा लौंगा पड़ेगा घर, टोकरेगा पंचायत का जी।
तो आप देख सकते हैं आप चंदन जी, इनका नाम चंदन है और ये तमिलनाडु में नौकरी करते हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं और जो भी लोगों में भगदड़ हुआ, जो लोग वहाँ से भागे डरे, वो कहीं ना कहीं ऐसे अफवाहों की वजहों से ही वो दृश्य उत्पन्न हुआ था। हालांकि इस जैसा इनका कहना है कि इन्हें पिछले 4-5 साल में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि इनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जो भाषाई अंतर है उससे थोड़ी कठिनाई इन्हें ज़रूर महसूस हुई, लेकिन इनके साथ इनका कहना है कि कोई भेदभाव नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी।